ओम शांति। अपने अंदर की डिविनिटी को इन्वोक करने के लिए हम आत्मा की शक्तियों को देख रहे हैं, क्योंकि जब वो सारी शक्तियाँ बैलेंस में होंगी तब डिविनिटी हमारा जीवन जीने का तरीका बन जाएगी। प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन वर्ड्स एंड प्योरिटी इन बिहेवियर। हर सोच, शब्द और कर्म दिव्य हो जाएगा, एक सत्युगी कर्म हो जाएगा। वो संस्कार जो हम चाहते हैं वो बहुत सहज हो जाएंगे अगर हम इन शक्तियों के अपने अंदर आह्वान कर लें। तो हमने पिछली बार देखा कि परखने की शक्ति, कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है, पावर टू बी एबल टू डिसर्न एंड डिफरेंशिएट राइट एंड रॉन्ग, चाहे वो अपने संस्कारों में। कभी कभी हमें अपने ही संस्कार में नहीं पता चलता, हम एक इल्यूजन में रहते हैं, हमें लगता है हमारा सब परफेक्ट है, हमारा बिहेवियर परफेक्ट है। औरों को परखने से पहले हमें अपने आप को परखना होगा कि मेरे अंदर सूक्ष्म में भी, सोच में भी, परमात्मा तो कहते हैं स्वप्न में भी, कोई ऐसा थॉट तो नहीं जो प्योर नहीं है, जो राइट नहीं है, जो ट्रुथ नहीं है। तो परखने की शक्ति अपने संस्कारों की, कि क्या राइट है क्या नहीं। एक बार परख लिया, सही परखा, तो नेक्स्ट पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी एंड वो है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिसाइड। क्योंकि हम पहले परखते हैं और फिर उसको बिहेवियर में लाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये करें या ये करें, ऐसा सोचे या ऐसा सोचे, ऐसे बात करें या ऐसे बात करें, सामने वाले ने ऐसा किया हम कैसा करें, द अदर पर्सन हैज डन व्हाट दे हैव टू डू। अब हमें अपना परखना है कि मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, उन्होंने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात किया, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। ये कर्म लेने का हमें निर्णय करना है, लेकिन निर्णय करने से पहले परख तो लें कि क्या राइट है क्या नहीं। नहीं तो अगर निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया, कर्म में आ गए और बाद में पता चला कि ये तो सही नहीं था, हमारा हर कर्म हमारा भाग्य बनाता है। आर वन डिसीशन कैन चेंज डेस्टिनी, सो एवरी डिसीशन हैज़ टू बी वेरी एक्यूरेट। आजकल कभी कभी हमें निर्णय लेने से डर लगता है, तो हम औरों से पूछते हैं आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए डिसीशन ले लें, क्योंकि खुद से डिसीशन लेने में डर लगता है। लेकिन डिसीशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें खुद के डिसीशन लेने चाहिए और हमें कभी भी औरों के लिए डिसीशन नहीं लेने चाहिए। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, आप उनको एडवाइस दे सकते हैं लेकिन डिसीशन उनके लिए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डिसीशन उनकी कैपेसिटी से होगा। सपोज आपके अंदर संस्कार है कि कोई आपके साथ कितना भी गलत करे आप चुप रह सकते हैं, वो आपका संस्कार है, वो आपकी कैपेसिटी है, तो आपने वो डिसीशन लिया कि कोई कुछ भी करे आई विल ऑलवेज कीप क्वाइट, दैट्स योर कर्म योर डिसीशन। अगर किसी और ने आपसे आके पूछा कि उन्होंने मेरे साथ ना ऐसा किया है तो मुझे क्या करना चाहिए, और अगर आपने उसको एक सेकेंड में कह दिया आपको बिल्कुल चुप रहना चाहिए, आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए ऊपर, तो वो आपने अपनी क्षमता का डिसीशन दे दिया विदाउट चेकिंग कि जिनको आप राय दे रहे हैं उनके पास वो कैपेसिटी है। अगर उन्होंने आपकी बात को स्वीकार कर लिया और आपके कहे हुए डिसीशन को ले लिया, और उनके पास अगर वो कैपेसिटी नहीं होगी तो उनका चुप रहना उनके लिए सप्रेशन बन सकता है, और वो सप्रेशन उनके मन को और शरीर पर, सेहत पर भी असर कर सकता है, क्योंकि वो उनकी क्षमता नहीं थी। तो हमें खुद परखना है कि मेरे संस्कार, फिर निर्णय लेना है। तो हमें कभी भी किसी और के लिए निर्णय नहीं लेना चाहिए, वी हैव टू टेक केयर। पीपल विल कम टू अस आस्किंग फॉर डिसीशंस, और आजकल जब लोग आते हैं तो हम बड़ी जल्दी से उनको डिसीशन ले लेते हैं, ओह इसमें तो क्या है आप ऐसा कर लो, लेकिन वो डिसीशन उनका भाग्य बना रहा है। और अगर हमने कुछ गलत दे दिया तो हमारा कर्म उनके कर्म के साथ इंटेंगल होकर हमारा कर्म उनके भाग्य को बिगाड़ने के निमित्त बना अगर, तो हमारे ऊपर उसका कितना बोझ चढ़ जाएगा, और सामने वाला भी
अगर उसके भाग्य में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे आया तो वो सबसे पहले ब्लेम किस पर रखने वाला है, कहेगा आपने कहा था, आपने कहा था इसलिए मैंने कर लिया। दिस बिकम्स अ वेरी 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 विशियस साइकिल ऑफ अ कार्मिक अकाउंट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मुझे अपने निर्णय लेने हैं। दूसरों को हम राय दे सकते हैं लेकिन निर्णय वो लेंगे अपनी परख से, और अपने निर्णय लेने से पहले सही और गलत की परख। और एक बार निर्णय ले लिया तो वो निर्णय पर वी हैव टू स्टैंड फॉर द राइट, क्योंकि कभी कभी सही निर्णय लेने पर कॉन्सिक्वेंसेज में कुछ थोड़े से चैलेंजेस, ऊपर नीचे बातें आएंगी, लेकिन ये हमारा डिसीशन था। वंस द सोल इज कॉन्फिडेंट कि ये मेरा डिसीशन था, अब कुछ भी हो जाए हम उस सत्य से, उस सही से हटेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा डिसीशन था। तो आत्मा के अंदर वैल्यूज पर चलने की, अपने एथिक्स और प्रिंसिपल्स पर चलने की ताकत आ जाएगी, क्योंकि वो आत्मा अपने निर्णय खुद लेगी। लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या मानती है, उस बेसिस पे डिसीशन नहीं लेते, अपने डिसीशन खुद लेते और अपने डिसीशन से अपना भाग्य बनाते हैं। हर डिसीशन लेते समय याद रखना, वी आर क्रिएटिंग आवर डेस्टिनी, हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। ये सिर्फ एक निर्णय नहीं है, इस निर्णय का एक परिणाम आएगा। एवरी डिसीशन विल हैव अ कॉन्सिक्वेंस। तो डिसीशन लेने से पहले उस कॉन्सिक्वेंस को देखकर, उसको भी परख कर कि आई एम रेडी फॉर दिस कॉन्सिक्वेंस, ताकि अपने ही डिसीशन का कभी भी चलते चलते रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। दूसरे अगर हमें उस डिसीशन के लिए कुछ कहें तो उसमें परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने परख कर अच्छे से फिर डिसीशन लिया था। एक बार परख लिया, दैट डिसीशन इज राइट फॉर अस, even if we are standing alone. कुछ निर्णय ऐसे होंगे जिसमें हम अकेले खड़े होंगे, पूरी दुनिया दूसरी तरफ, ये मेरा डिसीशन है। जो अपने सही पर ऐसे खड़े होते हैं तो उनकी आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ती जाती है। तो निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक सरस्वती माँ को दिखाया जाता है। तो सरस्वती माँ के हाथ में वीणा दिखाई जाती है। तो वीणा मतलब क्या? दिस सोल प्लेज देयर ओन म्यूजिक। ये अपना जीवन के डिसीशन खुद लेते हैं, ये आसपास के म्यूजिक के अनुसार नहीं चलते हैं। ये आत्मा अपना म्यूजिक खुद बजाती है, खुद चूज करती है। ये जीवन की स्क्रिप्ट अपनी खुद लिखती है, लोगों से प्रभावित होकर नहीं लिखती, क्योंकि हर कर्म उनका डिसीशन है। और सरस्वती माँ के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं और दूसरे हाथ में रोजरी माला दिखाते हैं। तो शास्त्र मतलब जो आत्मा सही परखेगी, सही निर्णय लेगी, उसका जीवन सत्यता के राह पे चलेगा। और दूसरे हाथ में रोजरी मतलब माला, सही करें, अकेले भी खड़ा होना पड़े तो सही पर चले, लेकिन जीवन में औरों से अलग ना हो जाए उस वजह से। माला 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 जुड़कर ऐसे बीड आफ्टर बीड रहती है। सो इवन इफ वी आर ऑन आवर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, वी आर नॉट गोइंग टू गेट आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीबडी एल्स। हमें सबके साथ जुड़कर रहना है लेकिन अपने सत्य पर चलना है। जुड़ने का मतलब ये नहीं कि फिर उनके प्रभाव में आ जाना है। तो रहना सबके साथ है, एक माला की तरह पिरोए हुए, लेकिन निर्णय अपने, म्यूजिक अपना, सत्यता अपनी। तो ऐसी आत्मा को सरस्वती माँ कहते हैं। तो आज हम ये होमवर्क करें, चाहे छोटी सी बात हो कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस सीन में, कैसे बिहेव करना है, या बहुत बड़ा डिसीशन हो आपके करियर का, आपके रिश्तों का, आपको कहाँ रहना है, जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है, कोई भी निर्णय लेना है पहले परखना है और चेक करना है, इस निर्णय से मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती है या घटती है। जिस निर्णय से आत्मा की शक्ति बढ़ेगी वो निर्णय हमारे लिए कल्याणकारी है। तो ये अभ्यास करते हैं कि हर निर्णय मुझे खुद लेना है और सत्यता के राह पर लेना है। मैं आत्मा शक्ति हूँ, आई एम शक्ति, मैं आत्मा सरस्वती माँ का स्वरूप हूँ। ये अभ्यास करते जाएं और जीवन को सत्यता की राह पर चलाते जाएं। ओम शांति।